आरजी सरकार मुर्दाबाद 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 आरजी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ आरजी सरकार शर्म करो शर्म करके बाकी है 370 जाती है करके बाकी है चलो आओ करके बाकी है अमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 होश में आओ नमस्ते। हरीश शर्मा जम्मू महानगर मंत्री एबीवीपी। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारी जो है आवाज सब तक पहुंचाते हैं। देखिए आज का जो प्रदर्शन का विषय है जिस प्रकार से हम सभी के ध्यान में होगा कि तीन दिन से जम्मू कश्मीर में जो असेंबली चल रही है उसमें कल 170 को रिस्टोर करने का प्रयास किया गया जिसकी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अमर अब्दुल्ला जी से कि आपने भारत के संविधान की कसम खाई थी कि मैं भारत के संविधान की कसम खाता हूं, तो क्या ये भारत के संविधान के खिलाफ नहीं? इससे अखंडता जो है हमारे भारत देश की है उसका अपमान है। ये अखंडता तोड़ने का अपमान कर रहे हैं जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर की आयाम जम्मू कश्मीर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इनके जासूस में पड़ जाए। जहां बात इनको स्टार्टअप्स की करनी चाहिए, जहां बात इनको कंस्ट्रक्टिव काम्स की करनी चाहिए, जहां बात इनको रोजगारी की करनी चाहिए, पर पिछले तीन दिनों से निरंतर इस जो है साजिश इसका जो है साजिश की जा रही है जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 370 लागू होने के पहले जब 370 नहीं थी तब हमारे जम्मू कश्मीर में दो झंडे थे। 370 के बाद और बड़े सारे ऐसे स्कूल थे विश्वविद्यालय थे जिसमें राष्ट्रगान गाने तक का जो था वो अधिकार नहीं दिया जाता था। 370 हटने के बाद हम खुले और लाल चौक में शरेआम जो है तिरंगा झंडा लहराता है। हम इस चीज के अधिकार में है, हम इस चीज का फेवर करते हैं। आपके माध्यम से मैं सुरेंद्र जी डिप्टी CM और अमर अब्दुल्ला जी से कड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अगर उन्होंने साजिशें बंद नहीं की तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर की जनता इतनी समर्थ है कि वो पूरा जम्मू कश्मीर बंद कर सके। धन्यवाद।